ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਹਿਮਦ ਓਰਾਮੂ, ਉਹ ਜੈਂਟ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲਵਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖੂਨ, ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਨਵੀਦ, ਬਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। मेरा नाम यूनस मुख्तार है और इसी नाम पर मेरा यहाँ खाता है और बचपन से लेकर ही आज तक काम कर रहा हूँ। वाले साहब जो बेटा वो गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भट्ठे पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारी है कि दूसरा वसाइल नहीं थे इतने, तो क्या करते। अभी हम छोटे छोटे थे उस वक्त, अपने माँ बाप के साथ करते थे। हम 5 भाई थे और हमारी 3 बहनें थी, हम 8 भाई बहन भाई थे, वो भी करते थे। जैसे जैसे हमने वो संभाली ऐसे ही करते आए हैं। नुसरत मेरा नाम है। असि बचपन तो ही छोटे छोटे सा, असि पहले आपदे अम्मी अबू दे घर भी काम करते रहे, फिर शादी हुई, फिर उस तो बाद भी काम करने पे 5,000 ही लिया। उस तो बाद पैसे असि जरूरत को थोड़ी घनी पैंदी ते लै लईदे ने, वरना पैसे नहीं लैंदे, ना देंदे ही नहीं। These individuals are stuck in a never-ending cycle of bonded debt, making them part of modern day slavery. Lekin 12 mahine barishon ke nikal ke to 10 mahine ka season hai, 10 mahine ke season ke baad malik unko hisab sunata hai aur wo bade bechain hote hain hisab sunne ke liye aur wo poochte hain ji hamari peshgi kitni hai, hum 10 mahine pehle aapke paas aaye the to hamari peshgi humne 50,000 diya tha, to pata chalta hai ki uske upar peshgi jo hai wo 2 lakh rupaye hai। Ab wahan pe wo aake pareshan ho jata hai, मैंने तो 50,000 लिया था, मैं तो काम भी रेगुलर कर रहा हूँ, मेरे कटौती भी ये कर रहे हैं, मगर मेरे ऊपर ये 2 लाख कैसे हो गया। और यहाँ से फिर वो मजदूरों पर जब वो ये इस बात पर वो फिर जब सवाल करता है या वो परेशान होता है, वो पूछता है कि मुझे ये बताया जाए, तो वो फिर यहाँ पर उन पर तशद्दुद यहाँ से शुरू होता है। जब किसी फैमिली को ट्रैप किया जाता है तो एक तो इसका सिस्टम ये है कि एक भट्टा मालक जो है वो मजदूर की पर्ची काट देता है और मार्केट में फिर एक तरह से वो पर्ची घूमती है, बोली लगती है, और कोई दूसरा भट्टा मालिक जो है वो उनका प्रीवियस एडवांस या पेशगी जो है वो भट्टा मालिक के साथ बारगेन करता है और उस फैमिली को ले जाता है। इस बारगेन में इट सेल्फ वर्कर की कोई से या पार्टिसिपेशन नहीं होती, बिटवीन द टू मास्टर्स जो भी लेन देन हुआ उससे कोई कंसर्न नहीं होता। वो अपने भट्टे पर ले जाता है और अनाउंस कर देता है कि इतने लाख रुपए मैं तुम्हें लेके आया हूँ। इस सिस्टम में फैमिली में अगर 3 काम करने वाले लोग हैं या 4 काम करने वाले लोग हैं तो वो 4 के 4 और उनकी ख्वातीन जो है इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय तसव्वुर नहीं होंगी, बल्कि वो एक पूरी फैमिली का खाता चलेगा और फैमिली के सरबरा मेल मेंबर के नाम वो खाता हो जाएगा। अंदाजा करें कि अगर 2400 रुपया है और उसमें से 800 रुपया वेज उनको दी जा रही है तो 1600 रुपया वेज उनकी कम दी जा रही है। तो जिस बंदे को, जिस मेहनत करने वाले को 1600 रुपया रोज की उसकी उजरत में से कम दिया जाएगा, वो गुर्बत की किस सतह पे होगा, आप अंदाजा कर लें। सपोज ये किसी और भट्टे पर काम कर रहे हैं, जब हम वहां से इनको लेके आते हैं तो वहां पर इनका सपोज वहां 2 लाख या 3 लाख रुपया इनका बना होता है, ठीक है। इन्होंने वहां पर जो अखराजात किए होते हैं, जो इनके सामान, हो सकता है वहां पर इन्होंने कोई शादी की हो सकता है वहां पर इन्होंने कोई बंदा हॉस्पिटलाइज रहा हो सकता है वहां पर इनके कोई बच्चा पैदाइश हुआ हो, ये सारे जो अखराजात जब वो 4-6 महीने बाद देखते हैं जी 2-3 लाख रुपया बन गया जी, तो हम उनको 2-3 लाख रुपया हमें उनका अदा करना होता है उस भट्टे वाले का, ठीक है। और उसको जब हम यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पे जो है वो कुछ अरसे बाद वो कोई ना कोई वकील उनको मिल जाता है, वेले हैं वकील भी आजकल, तो वो 6-7 हज़ार रुपया लेके हैबियस की पिटीशन, हमारा 3 लाख 4 लाख रुपया जो है ना वो जाता रहता है।
बड़े आराम से जजेस साहबान बैठ के बात कर देते हैं, इन्होंने कोई जरूरत नहीं पैसे देने दी, इन्होंने क्यों तुम पेशगियां देते हो, क्यों एडवांस देते हो। 3 महीने के लिए बारिशों में भट्टे बंद हो जाते हैं, ये कहाँ से खाएंगे, ये चौकों पर जाके मांगेंगे। जब आप बॉन्डेड लेबर देखते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जहाँ ये सिस्टम चल रहा है उधर हायरार्किकल सोसाइटी है या नहीं, यानी कि डिविजन्स हैं सोसाइटी में या नहीं है। जहाँ सोसाइटी होमोजेनस होती है तो आपको बॉन्डेड लेबर बहुत कम मिलता है, लेकिन जहाँ ये डिविजन्स हैं जैसे कि हमारे कास्ट डिविजन्स आ जाते हैं तो फिर आपको पॉसिबिलिटी ऑफ डेट बॉन्डेज बहुत बढ़ जाती है। आप यही देखते हैं कि कुछ कास्ट के पास सोशल नेटवर्क्स कम है, सोशल कैपिटल कम है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको ज़रूरत है पैसों की, रिसोर्सेज की, तो आप कहाँ से लेंगे। अगर आपके पास नेटवर्क्स नहीं है तो वो यू कांट रेज द मनी, आपको कहीं और से लेना होता है। सो इन दैट केस अगर आपकी इलनेस हो गई या किसी और चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो यू हैव टू फाइंड ए पेट्रन टू प्रोवाइड दैट, और वो अक्सर होते हैं एम्प्लॉयर्स। भट्टे के काम में मखसूस जो मेन चीज़ है वो ब्रिक मेकिंग वाले लोग हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, ईंट, जो ईंट बनाने वाले हैं, एक कैटेगरी आप उसको कह सकते हैं। एक वो जो बर्निंग कर रहे हैं, कोयला डाल रहे हैं भट्टे को, ईंटें पका रहे हैं, उनको जलाई वाले कहते हैं। एक वो जो रॉ ब्रिक, ग्रीन ब्रिक, मतलब जो बाहर से कच्ची ईंट लेके आते हैं, उनको भराई वाला कहते हैं। और एक जो ऊपर इसकी दूसरी चीज़ें सर्विसेज हैं उनकी, जैसे भट्टे को बारिश से बचाना, उसको मिट्टी डाल के या कीरी डाल के उसको कवर रखना, तो ये और बाकी भट्टे की ओवरऑल सफाई, एक वो हैं, उनको चौकीदार भी कहते हैं, कीरी वाले भी कहते हैं। ये जो मेकिंग वाले लोग हैं ये फैमिली समेत काम करते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशन समझ लें या इनके जिस तरह भी है, इनके सपोज दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं, बच्चा अगर कोई यंग है या बेटी यंग है वो भी साथ काम कर रही है, तो ये सारे मिलजुल के एक फैमिली के तौर पे करते हैं। इसमें मेल फीमेल मेकिंग में दोनों आ जाते हैं। मुख्तलिफ ब्रिक किलन्स पे जाके एक हमने सर्वे किया 50 ब्रिक किलन्स का, उसके मुताबिक एक भट्टे के ऊपर कम अज कम जो काम करने वाले लोग हैं वो उनकी तादाद 185 बनती है। इससे कम पे ब्रिक किलन कोई रन कर नहीं सकता। जो उनका प्रोडक्शन का साइकिल होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास 40 से 50 फैमिलीज हों, और वो फैमिलीज रोज़ की उनको 40 से 50,000 ईंट की प्रोडक्शन दें। रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है पाकिस्तान के कानून के तहत, जो 1931 का एक एक्ट है। हर ब्रिक किलन को लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, और कोई भट्टा जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इल्लीगल काम कर रहा है। और इस तरह के बेशुमार भट्टे हैं, भट्टा मालकान के एक मालिक के अगर 8 भट्टे हैं तो उसमें से उसने शायद 2 रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, बाकी 6 जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। While many brick kiln owners refused to talk to us on camera, Masood Arif allowed us to visit his brick kilns and shared his side of the story. His brick kilns are registered with the labor department. 250 about rooms हैं, कमरे बने हुए हैं, रिहायशें, किसी ने 2 रखे हुए हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, किसी ने 3 रखे हुए हैं, किसी ने एक छोटी फैमिली है तो उसने 1 रखा हुआ है। तो एक तो भट्टे ने इनको अकोमोडेशन बना के दी हुई है, और बिजली दी हुई है, पानी का बंदोबस्त किया हुआ है ताकि इनको पीने के पानी का इशू ना हो। इस मेरे भट्टे पर 24 घंटे में एक डॉक्टर साहब भी आते हैं, ठीक है जी, और जो हमारा जो गायनी की खातून है वो भी ऑन कॉल हैं, वो भी उनको भी बुलवा लेते हैं जब कोई इधर ऐसा इशू आता है। तो इस तरह हम काफ़ी इनको अकोमोडेट करते हैं। But the on-ground situation at many of these places tells a different story. रैश तो इन्हों की है, लेकिन जो रैश होती वो तो नहीं है ना। अभी कभी आप जाकर देख लें वो बस बांसों की छत और सिर की, ऐसे ही है बस, वो भी खुद बनानी पड़ती है, 4 दीवारी वो करनी पड़ती है। तो बिल जो बिजली का है वो हम अदा करते हैं। गैस की सहूलत आप पूछते हैं तो गैस तो वो दूसरा लकड़ियाँ ले आते हैं,
लकड़ियाँ जलाते हैं, गैस नहीं है, पहलियों में जाते हैं वहाँ चुनकर ले आते हैं, उसमें हम रोटी पानी कर लेते हैं, मेडिसिन खुद लेते हैं। वो तो जब अभी को मजदूर बीमार हो जाए तो उसके ऊपर 50,000 का या 1,00,000 रुपए का खर्चा वो कहाँ से लाएगा, वो तो ऊपर ही आसमान की तरफ जाएगा। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, 3 वक्त का तो सब्र ही नहीं है उनके करीब ना, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, पेट भर के खाने को नहीं मिलता, उन्हें कपड़े नहीं पहनने को मिलते, उनकी कोई तफरी नहीं है, उसकी कोई अपनी लाइफ नहीं है, उसके अपने कोई डिसीजन ही नहीं है, उसके कोई फैसले नहीं है, ना वो अपनी बेटियों के फैसले खुद कर सकते हैं, बच्चों के फैसले, उनकी शादियों के फैसले, उनकी जिंदगियों के फैसले उनके अख्तियार में नहीं होते। लड़की की शादी जो होनी है, रिश्ता होना है ना, तो वो उसकी जो क्वालिफिकेशन कह रही है, जो उसकी एक्सपर्टी पे है कि वो ईंटें कितनी बनाती है, जितनी ज़्यादा तेज़ ईंटें बनाती होगी, जितनी डेली ज़्यादा देती होगी, यही क्राइटेरिया उसके रिश्ते का। भट्टों के ऊपर फोर्स्ड मैरिजेस भी होती हैं, वीमेन ट्रैफिकिंग भी होती है, वीमेन सेलिंग भी होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 37E है, वो कहते हैं कि ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस। अवलन आप देखें तो भट्टों के ऊपर ना तो सूटेबल रहायश होती है, ना पीने का साफ पानी होता है, ना ही बैतुल खला टॉयलेट होते हैं। तो टॉयलेट ना होने की वजह से बच्चियों को और ख्वातीन को जिन हालात का सामना करना पड़ता है, बारिश है, सर्दी है, रात है, वर्स्ट वेदर कंडीशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बड़ा अच्छा, इसकी बुनियाद पे उन्होंने पंजाब की हुकूमत को ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि इनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड फराहम किए जाए जितने वर्कर हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो भी जैसे हमारे ब्यूरोक्रेटिक रवैये होते हैं चीज़ों के ऊपर, कवानीन के ऊपर, इस तरह की डायरेक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के, उसकी बुनियाद पे वो कहीं सुर्ख फीते का निशान रहा। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की विजिलेंस कमेटी के मेंबर हैं, सईदा गुलाम फातिमा उनकी मेंबर हैं, वहाँ मीटिंग में बैठे हुए थे तो पता चला जी के 272 ब्रिक किलन सिर्फ शेखुपुरा में रजिस्टर्ड हैं सोशल सिक्योरिटी के साथ, और उनमें से 504 कार्ड बने हुए हैं टोटल। For watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.